देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने लोको पायलट से की थी मुलाकात, अब वीडियो सामने आगे बताएंगे कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी लेटर में बताएंगे क्या कुछ लिखा है। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद ने खुलकर योगी आदित्यनाथ का कर दिया है विरोध, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों यानी एक एक करके कई सारे बीजेपी के लोग योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे, क्या सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल की बात सच होने जा रही है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में मोदी सरकार के कार्यकाल में कई सारे एग्जाम कैंसिल हुए, कांग्रेस पार्टी ने एक एक करके सारे मुद्दे उठाते वे निशाना साधा है, मायावती अचानक से पहली बार राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रही है। दोस्तों बताएंगे तमिलनाडु पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा है उन्होंने। इसी के साथ में बीजेपी के ही एमएलसी ने योगी सरकार के अधिकारियों को भ्रष्ट बता दिया है। दोस्तों इसके बाद कई सारी और भी बातें कही गई है, पार्टी में फूट की है बड़ी जानकारी। इसी के साथ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कर ली है बड़ी तैयारी, जबरदस्त तरीके से बैठ के चल रही है। दोस्तों जलंधर के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बड़ी अपडेट है, बिहार से भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की योगी आदित्यनाथ को लेकर जो विपक्ष बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ कर मुख्यमंत्री के पद से हटाने वाले हैं और मोदी अपनी हार का जिम्मा शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट के जीवन की रेल पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है। राहुल गांधी ने लोको पायलट से मुलाकात की थी, अब इसे लेकर वीडियो जारी कर दिया गया है। इसमें जानकारी देते बताया गया कि गर्मी में खोलते कैबिन में बैठकर लोको पायलट 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर है, जिनके भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं, उनकी अपनी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। यूरिनल जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित लोको पायलट, ना काम के घंटों की कोई लिमिट है ना कोई छुट्टी मिलती है, जिसके कारण वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूटकर बीमार हो रहे हैं। ऐसे हालत में लोको पायलट से गाड़ी चलवाना उनकी और यात्री की जान को जोखिम में डालने जैसा है। इंडिया लोको पायलट के अधिकारों और वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने की मांग संसद में आवाज उठाएगा। इस पर छोटी सी चर्चा का वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी लोको पायलट से लेकर तमाम अन्य समाज के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों जो अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको जीवन में कितना संघर्ष देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी ये सारा मुद्दा उठाने वाले हैं। 23 तारीख से जो बजट का सेशन शुरू होने वाला है, उसमें एक बार फिर से इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। हाथरस घटना को लेकर भी राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। दोस्तों इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखते हुए हादसे पर कहा कि हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास संतावना के शब्द कम पड़ गए थे। दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए जिससे दोबारा ऐसी घटना ना हो। राहुल गांधी ने हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है। हाथरस हादसे के बाद सेवादार का ऑडियो सामने आया था, इसमें वो कह रहा है कि बाबा ने कहा था कि आज प्रलय होगी, कई लोगों की मौत होगी, प्रलय हो गई है, अपने आप लोग सड़क पर गिरने लगे हैं, फिर लाशें बिछ गई है। पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है ताकि पूरी जानकारी सामने आ सके। कुल मिलाकर राहुल गांधी इनकी आवाज भी उठाते हुए सीधा मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद ने योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि आखिर 20 साल में कांवड़ पथ का विकास कार्य क्यों नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कांवड़ पथ के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी के सांसद ने कहा कि जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसी समय कांवड़ पथ बनाए जाने की बात हुई थी, उन्होंने पहली बार 11 करोड़ रुपए भी दे दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और यहां कांवड़ पथ के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बीजेपी राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हमने एक और नया मुद्दा उठाया है कि एयरपोर्ट के लिए मात्र 23 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हालांकि इस प्रक्रिया चल रही है कि कुछ दिनों में एयरपोर्ट के लिए पैसा मिल जाएगा। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सावधानी प्रशासन को रखनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर 20 साल में क्यों नहीं बना है, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ये 7वें साल सरकार चल रही है, 2017 में ही उनकी सरकार बन गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो लगभग सही होता जा रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा कर ही दे रहे हैं, दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मानो एक सुनियोजित तरीके से ऐसा किया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जुलाई 2024 में एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद जुलाई 2024 में एपीपीएससी के एग्जाम 2 मेंस के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। जून 2024 में नीट पीजी के 2024 के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इसी तरीके से सीयूईटी के यूजी 2024 के एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया और सीएसआईआर के यूजी नेट के एग्जाम 2024 को भी ऐसा किया गया। आरओ और एआरओ प्री 2023 यूपी को लेकर भी यह जानकारी है। टीएसपीएससी ग्रुप 1 प्री एग्जाम को लेकर भी जानकारी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और 20 जीपीएससी कंपटीशन एग्जाम, गुजरात क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कई सारे मामले उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि कैसे बीजेपी की सरकार में मोदी की सरकार में एग्जाम कैंसिल होते जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों डरे हुए हैं तमिलनाडु के दलित, राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं बची हुई है। बीएसपी के प्रमुख मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद तमिलनाडु में इतनी सक्रिय दिखाई दे रही है। दोस्तों मायावती ने कहा कि तमिलनाडु सरकार पर विश्वास नहीं है कि वो इस मामले में न्याय दिलवा पाएगा। आपको बता दें कि बीएसपी तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष की दिनदहाड़े हत्या के मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो अचानक से तमिलनाडु पहुंच गई, जहां पर उन्होंने इस मामले को उठाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया है और तमिलनाडु में दलित समाज को लेकर जानकारी देते हुए बताया है
है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और न्याय की उनको उम्मीद नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ साथ चीन लगातार पूर्वी लद्दाख में दखल दे रहा है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक जानकारी मिली है, मीडिया में रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन पेंगोंग झील के पास करने लगा खुदाई। सैटेलाइट से तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। दोस्तों आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि खबर है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास खुदाई करके बंकर बना रहा है। ये वही इलाका है जहां पर चाइना और भारत के आर्मी के बीच में क्लैश की कई सारी जानकारियां सामने आई थी, आपस में तनाव हो गया था। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आ रही है उससे पता चल रहा है कि चीन ने इस जगह पर कई बड़े अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं। इन बंकरों में बख्तरबंद वाहन, गोला बारूद स्टोर करने की सुविधा है। इस पूरे बेस को चीन ने सड़कों और खाइयों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट देकर कहा था कि कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है। चीन की ये हिमाकत उसी क्लीन चिट का नतीजा है। हाल ही में चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश की 30 जगह के नाम बदल दिए थे, तब भी नरेंद्र मोदी चुप थे। जो नरेंद्र मोदी कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे, आज उनके मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा है। साथ साथ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान से सबसे ज्यादा अगर कोई चिढ़ा है तो वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग। विश्व हिंदू परिषद के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बचे हिंदू राहुल गांधी की मानसिकता से रहे सावधान, जबकि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर कोई ऐसी बात नहीं की है जो अफवाह फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी कैमरे पर खुद कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रशासन भ्रष्ट है, बेईमान है, घूसखोर है और जनता को प्रताड़ित करता है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बताए कि आखिर वो कितनी घूस वसूलते हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछा गया है। दोस्तों आगे लिखा गया कि भ्रष्टाचार की रकम में सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना हिस्सा है, ये बात कोई विपक्षी नेता आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि खुद बीजेपी के नेता ने स्वीकृत कर दिया है कि योगी राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बीजेपी के लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और वीडियो शेयर करते हुए अब विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, जवाब बीजेपी के लोगों को देना है। साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के शव को पार्टी कार्यालय परिसर में दफनाने की मांग पर एक रिट याचिका खारिज कर दी है। अब उनका अंतिम संस्कार तमिलनाडु के त्रिवल्लूर जिले के पोतुर गांव में निजी जमीन पर होगा। तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को शाम चेन्नई के अंदर आवास पर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। साथ साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर खैर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला संगठन के पदाधिकारियों ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चर्चा की है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर तय किया जा रहा है कि किसको मैदान में उतारा जाएगा। दरअसल दोस्तों ये सीट इसलिए खाली हुई है क्योंकि यहां से सपा के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। वो लखीमपुर खीरी से चुनाव जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को जबरदस्त शिकस्त दे दी है। साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में मिले बड़े झटके से उभर नहीं पा रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि सत्ताधारी दल को 13 में से मात्र 3 सीटें मिली थी। ऐसे में 10 जुलाई को होने वाले जलंधर पश्चिम उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव माना है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट पार्टी का लगभग हर विधायक उम्मीदवार महिंदर भगत की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहा है। सभी का लक्ष्य लोकसभा चुनाव के बाद निराश हुए कैडर के चेहरे पर दोबारा से मुस्कान और ऊर्जा लेकर आना है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने सभी 13 सीटें जीतने का प्रयास किया था लेकिन पार्टी को जीत नहीं मिली, तो अब विधानसभा चुनाव में जीता जाएगा। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई। इसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक कड़ा मुकाबला दे सकती है। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के शासन में काफी बुरी हालत में है। दोस्तों आरजेडी ने बार बार बीजेपी और नीतीश कुमार के द्वारा जंगल राज का याद दिलवाने के बाद पलटवार किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार सरकार में जो आए दिन हत्याएं और तमाम बड़े क्राइम हो रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट देते हुए तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ ही दिनों में कई सारी हत्याएं और क्राइम के मामले पर जब सवाल पूछा जनता दल यूनाइटेड से, तो जनता दल यूनाइटेड के लोग भड़क गए और अब दावा करने लगे कि लालू शासन के दौरान जो हत्याएं हुई थी उसका जवाब दे तेजस्वी यादव। यानी दोस्तों अभी रिसेंट में इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही है, इतने क्राइम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल करने की जगह, इस पर जवाब देने की जगह ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल हो गया है। पदाधिकारी ने घर जाकर दी है इसकी सूचना। समाजवादी पार्टी निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के नाम पर ही मोहर लगाकर उनको मैदान में उतारना चाहती है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक की सदस्यता चली गई थी और इसके पीछे कारण था कि उनको सजा सुनाई गई है 2 साल से ज्यादा की। वहीं पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बैठक हो गई शुरू। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। भारी संख्या में दावा किया जाता कि बीजेपी के लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन भाजपा के ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। दिल्ली में बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है। 3 बार तो शीला दीक्षित सरकार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से कभी भी दिल्ली में सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। इस बार बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का नतीजा उसी तरीके का रहेगा जैसा लोकसभा का रहेगा, लेकिन लोकसभा में दिल्ली की जनता अलग तरीके से वोट करती है। यह हमेशा बीजेपी के लोगों ने भी देखा है और तमाम लोगों ने भी देखा। आम आदमी पार्टी को लेकर एक सिंपैथी भी है, तो इस बार भी बीजेपी का जीतना लगभग असंभव नजर आ रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में दाखिल होते ही कावड़ यात्रा 65 किलोमीटर की यात्रा करती है। दोस्तों इसके मद्देनजर मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की तैयारी युद्ध स्तर पर है।
रविवार को राज्य के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशासन और कांवड़ संचालकों के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कांवड़ संचालकों को यात्रा के दौरान शिविर में फायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी बात यह दोस्तों, इस दौरान वो बयान देते हुए कहते हैं कि ढाबों में हिंदू देवी देवताओं का नाम प्रयोग ना करें मुस्लिम वर्ग, यानी कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार के मंत्री ने यह टिप्पणी की है। दोस्तों इसे किस तरीके से आप देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि इसी तरीके का लगभग एक जैसा बयान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और बिहार के सांसद बेगूसराय के गिरिराज सिंह ने भी दिया था। दोस्तों क्या यह बयान ऐसे ही अचानक दिया जा रहा है या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत बयान दिया जा रहा है, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की है। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों को लेकर चर्चा की और समाधान करने के लिए शनिवार को हैदराबाद में मुलाकात की है। जून 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और तेलंगाना का निर्माण हुआ था, इसके बाद से ही दोनों देशों के कुछ मुद्दे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को शाम बेगमपेट में ज्योतिराव फुले प्रजा भवन के अंदर मुलाकात की है। रेवंत रेड्डी के साथ उनके डेप्टी भट्टी विक्रमार्क और वरिष्ठ मंत्री डी श्रीधर बाबू और पोन्नम प्रभाकर भी मौजूद थे। नायडू के साथ उनके भी मंत्री मौजूद थे। दोस्तों कुल मिलाकर दावा यह किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं पैदा होने वाली है, क्योंकि केवल कहने मात्र के लिए था कि दोनों राज्यों के लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल यह राजनीतिक मुलाकात भी थी, तो यानी इतने सारे मंत्री गए थे तो कोई ना कोई राजनीतिक बातचीत जरूर हुई होगी। दोस्तों आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने इस संबंध में हरियाणा प्रदेश इकाई सभी 90 सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए समक्ष यह टिप्पणी की है। बुधवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अधिकारियों ने संगठन मंत्री संदीप राठक के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक लंबी बैठक की है। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। साथ 200 रायबरेली रेलवे स्टेशन को 2023 में केंद्र सरकार ने इस स्टेशन के विकास कार्य पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रायबरेली का यह रेलवे स्टेशन है जहां पर ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई झरना गिर रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि विकास जो 21st सेंचुरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बातें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे थे, क्या यही है 21वीं शताब्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बना रहे हैं? ईडी सीबीआई ऐसे लुटेरे मंत्री और अफसरों से पूछताछ करने में क्यों डरती है? समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछा है कि जिन्होंने ये बनाया है ऐसे अधिकारियों और मंत्रियों से क्यों सवाल नहीं किए जा रहे? प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बोगस बातें करते हैं। साथ आरजेडी के बाद अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा रोल नहीं है झारखंड में, फिर भी उनकी ओर से टिप्पणी करते हुए समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल दलों के सामने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने झारखंड के इलेक्शन को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन के साथ मिलकर जरूर लड़ेंगे, लेकिन 6 विधानसभा की सीटें उनको चाहिए। उन्होंने बता दिया है कि उनको भवनाथपुर, बोकारो, छतरपुर और विश्रामपुर के साथ साथ हुसैनाबाद की सीट चाहिए। हालांकि आरजेडी के रहते हुए समाजवादी पार्टी की महागठबंधन को कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी समाजवादी पार्टी को एक आध सीट देकर साथ में रखा जा सकता है, लेकिन अगर 6 सीटों का वादा करने के लिए कहा जा रहा है तो ये काफी मुश्किल है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ वाराणसी लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी ने चुनाव में 17 लाख तो कांग्रेस पार्टी ने खर्च किए 26 लाख, बसपा रही सबसे आगे। लोकसभा चुनाव 2024 के देश के सबसे हॉट सीटों में से एक वाराणसी की सीट के परिणाम बहुत नजदीक रहे। इस बार नरेंद्र मोदी को यहां तीसरी बार भारी वोटों से जीत मिली। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी लोकसभा सीट पर आखिरी यानी 7वें चरण में मतदान हुआ था और इस दौरान खर्चे को लेकर डिटेल आई है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने मात्र 70 लाख रुपए खर्च किए होंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव में बड़े बड़े लोग मौजूद थे, हालांकि सारा खर्चा पार्टी के उससे गया होगा, क्योंकि प्रत्याशी का खर्चा तभी लगता है जब वो अपना खुद का कैंपेन करते हैं, बाकी खर्चा तो स्टार कैंपेनर का पार्टी के लिए होता है। और मात्र 70 लाख या 76 लाख खर्च नहीं हुए होंगे बल्कि इससे ज्यादा ही पार्टी के हुए होंगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों झारखंड में 2 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव, अक्टूबर तक नतीजे घोषित होंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और इसके बाद इन्हीं 4 राज्यों से तय होने वाला है कि देश के अंदर जनता ने जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था, क्या वो मैंडेट लगातार जारी रहेगा या फिर क्षण भर के लिए लोगों के द्वारा दिया गया मैंडेट है। साथ साथ लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपना डिसीजन दे दिया, इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के बाद काफी ज्यादा दुख हो रहा है। दोस्तों हालांकि बीजेपी के लोग अपने समीक्षा बैठक में दूसरे पर ही आरोप थोप रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे कि उन्होंने झूठा प्रचार किया था, अपनी गलती बीजेपी के नेताओं को नजर नहीं आ रही है। और इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर बीजेपी के लोग अब उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी बैठकें कर रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठकें चल रही है। क्या इससे उपचुनाव के रिजल्ट बदलेंगे? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी मेन मुद्दे पर काम कर नहीं रही, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा को लगता है कि शायद विपक्ष ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर उनके खिलाफ माहौल बना दिया और वो जीत गए, लेकिन हकीकत यह है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आ गई थी, इसलिए योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ वोट डाला गया। दोस्तों आपका क्या मानना है लिखेगा जरूर। साथ अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी गुजरात कमेटी का चार्ज दिया जाना चाहिए, लोगों ने अब सोशल मीडिया पर मांग करनी शुरू कर दी है। लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी के सामने ऐलान कर दिया कि हमने आपको अयोध्या हराया, अब हम आपको गुजरात हराएंगे। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए पार्टी के कार्यकर्ताओं और दफ्तर पर जो हमला हुआ इसके लिए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आपको चैलेंज किया गया है, कांग्रेसी बब्बर शेरों को चैलेंज किया गया है, आप लोग अगली लड़ाई इसी मजबूती के साथ लड़ेंगे कि
भाजपा को करारा जवाब दिया जाएगा, एक एक हमले का जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद अब मांग की जा रही है कि राहुल गांधी ने क्योंकि गुजरात को लेकर अपना रोड मैप सामने रख दिया है, तो अब इंचार्ज भी घोषित कर दिए जाने चाहिए ताकि लगातार चुनाव आगे तैयारियों के साथ बढ़ता रहे, यानी चुनाव की तैयारी होते रहे। साथ साथ 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 तारीख को होने वाला है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 210 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर मतदान होंगे। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून को थी, स्क्रूटनी 24 जून को था, 10 जुलाई को वोटिंग होगी। शासक मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार को हो सकता है, आज हो सकता है। इसमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वाले रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राजभवन में सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। रावत के अलावा अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश शाह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की भोपाल में हो रही बैठक के बाद देर शाम लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल में 4 पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहन की सरकार राज्य में चल रही है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी विस्तार करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करेगी कि वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना देगी? क्योंकि ऐसा ही लगभग कई बार देखने को मिला है, मंत्रिमंडल के नाम पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में बीजेपी शामिल करवाती है। सांसद जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। प्रशांत ने आधिकारिक तौर पर इस पर बात की घोषणा कर दी है। वह लगातार इसको लेकर बिहार भर में अभियान चला रहे हैं। सिवान में भी जन सुराज के कार्यकर्ता चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए। जन सुराज विचार मंच के बैनर तले सिवान के बुद्धिजीवियों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता राजीव रंजन राजू ने की और संचालन कृष्ण कुमार सिंह ने किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को त्रिशूर नगर निगम के मेयर M.K. वर्गीस के द्वारा बीजेपी को सपोर्ट किए जाने, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को समर्थन किए जाने, उनके विकास की सराहना करने पर हो रही आलोचना के खिलाफ टिप्पणी की है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF ससीर त्रिशूर नगर निगम के मेयर M.K. वर्गीस ने शनिवार को फिर से बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि अभिनेता से राजनेता बने गोपी के पास त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र और केरल के विकास का एक विजन है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि विकास के लिए किसी भी सांसद या मंत्री की राजनीति की परवाह किए बिना उनके साथ खड़े रहे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया था। सांसद मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी का मंथन लगातार जारी है। संजन सिंह वर्मा बोले, कहा अभी तो राउंड टेबल मीटिंग है, इसमें वरिष्ठ नेता और जूनियर के बीच में बातचीत होगी। अलग अलग विषय की 7 से 8 टेबल होगी और उन पर चर्चा होगी। हर टेबल पर एक सब्जेक्ट होगा, उस पर बहस और मशविरा करके जो बातें निकल कर आएगी उसमें से एक व्यक्ति डाइस में जाकर उस बात को सारे लोगों के सामने रखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, ये कांग्रेस पार्टी की इनोवेटिव स्ट्रेटजी है। साथ साथ दोस्तों, संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब बीजेपी के हिंदुत्व को वास्तविक हिंदुत्व के बीच विपरीत और हिंसक बताया, तब प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे थे। इस बयान को देश के सभी हिंदुओं के खिलाफ बता रहे थे सोशल मीडिया पर, जो आज तक यही सिलसिला चल रहा था। राहुल गांधी के बयान वाले दिन गृह मंत्री अमित शाह संसद में भारतीय न्याय संहिता की खूबियां बता रहे थे और अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब दंड नहीं न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे थे। ठीक इसी दिन हाथरस में सूरजपाल यानी तथाकथित भोले बाबा के प्रवचन में आए 120 लोगों की मृत्यु ने राहुल गांधी के दावे को सही और प्रधानमंत्री समेत सत्ता के सभी दावों की पोल खोल दी है दोस्तों। और ये बता दिया है कि मीडिया और सत्ता के लिए विकास की परिभाषा बदल गई है, जो देश के लिए एक अजूबा है। कुल मिलाकर दोस्तों, हवाई अड्डों से लेकर तमाम जगह जिस तरीके से विकास डामाडोल दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद मीडिया में चर्चाएं नहीं चल रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी के झूठे विकास के दावे को बार बार सराहा जा रहा है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्घाटन के लिए बीजेपी माहौल बनाती है, बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं, नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं, कुछ दिनों के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी कोई दिक्कतें आ जाती है जिस पर मीडिया वाले कार्यक्रम करने से बचते हैं। ऐसा लग रहा है कि विकास केवल भाजपा का प्रचार मात्र बनकर रह गया है। सासा नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने हेग में अपने ऑफिस से अनोखे तरीके से विदाई ली है। 14 साल के कार्यकाल के बाद रूट ने पूर्व खुफिया प्रमुख डिक सूफ को कमान सौंप दी और इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर निकले तो अपने साइकिल से अपने घर की ओर रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों। यानी विदेशी प्रधानमंत्री है जो 14 साल शासन में रहने के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्य पूरा करके तो साइकिल से लौट रहे हैं। अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री 14 साल या उससे ज्यादा या उससे कम भी रहे, एक दिन भी रहे, तो क्या आपको लगता है कि वो साइकिल से कभी अपने घर की ओर लौटेगा या फिर पूरे हाई प्रोफाइल अपने काफिले के साथ वापस जाएगा? क्योंकि दोस्तों, एक दिन का भी अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर कुछ भी बन जाता है, कोई अधिकारी भी होते हैं, तो किस तरीके के काफिले एक VIP कल्चर देश के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यह बड़ी जानकारी है जहां पर नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि कैसे सादगी भरा काम किया जाता है, कैसे केवल अपने पोस्ट को रिस्पेक्ट किया जाता है, उसके लिए 14 साल काम किए जाते हैं और उसके बाद बड़ी सादगी के साथ प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया जाता है। साथ साथ दोस्तों, पूर्णिया के चुनाव में पप्पू यादव ने पूरी तरीके से यह दिखा दिया कि उनके लिए किसी पार्टी का कोई सिंबल की कोई जरूरत नहीं, वो आराम से अपने नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। और उन्होंने RJD और जनता दल यूनाइटेड दोनों के कैंडिडेट को शिकस्त दे दिया था। इसके बाद दोस्तों, पूर्णिया के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, पूर्णिया के रुपोली के अंदर हो रहे चुनाव को लेकर अब बड़ी जानकारी यह है कि यहां पर RJD ने
ने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया है, बीमा भारती को मैदान में उतारा है। पप्पू यादव यहाँ पर सांसद है तो उन्हें तय करना है कि कार्यकर्ता किसके पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि रुपौली की जनता से पप्पू यादव की अपील, कहा हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, जब एक ही उल्लू काफी है पूर्णिया को बर्बाद करने के लिए, तो और कितने उल्लू बैठना चाहते हैं, रुपौली को चारागाह बनाने से बचाए। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन, लेकिन लग नहीं रहा कि पूर्णिया में रुपौली की सीट पर पप्पू यादव बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे। जो भी जानकारी रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ जीएसटी का 64% हिस्सा देश के गरीबों से वसूला जाता है, वही नरेंद्र मोदी के अमीर दोस्त जीएसटी का सिर्फ 3% हिस्सा देते हैं। ये जानकारी जीएसटी के डेटा से सबके सामने आई थी। मोदी सरकार ने ये डेटा देना बंद कर दिया है, ऐसा इसलिए ताकि अमीरों की सरकार की पोल ना खुल सके। कुल मिलाकर दोस्तों जीएसटी के बड़े बड़े आंकड़े दिए जाते, लेकिन जब हकीकत सामने आ गई है कि ज्यादातर पैसे गरीब समाज के लोगों से ही वसूले जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी की पोल खुल गई है। तो वो इस पूरे मामले पर बचकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जय हिंद जय भारत।